हाय विद्यार्थियों, जैसे आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि तारे क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट हम आप लोग बता रहे हैं तारे के बारे में। स्टार्स, तारे क्या है? तो भी आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा के स्रोत हो उसे तारे कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा के स्रोत हो उसे तारे कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सबसे निकटतम तारा कौन है जी? सूर्य है। आइए थोड़ा सा सूर्य के बारे में हम आपको बता देते हैं। सूर्य का द्रव्यमान जो होता है 2×10³⁰ kg होता है। सूर्य का द्रव्यमान 2×10³⁰ kg होता है। और पृथ्वी का द्रव्यमान 5.9×10²⁴ kg, जिसको लगभग हम लोग 6×10²⁴ kg मान लेते हैं। यह सूर्य का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,30,000 गुना अधिक होता है। उसके बाद सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास होता है 13,90,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना होता है भाई? तो 13,90,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास के 109 गुना अधिक होता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किए होंगे तो कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि मेरे जितने भी न्यू वीडियो हो वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। साथ ही साथ यदि वीडियो को देखेंगे अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा कि आखिर वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को वैसे जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ध्यान से देखिए, सूर्य का जो व्यास होता है पृथ्वी के व्यास के 109 गुना बड़ा होता है। यानी तारों में सूर्य भी शामिल है और इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब तारे के बाद बात आता है ग्रह का। ग्रह प्लैनेट, तो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य का सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं उस आकाशीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या पहले 9 थी, अब वो 8 हो गई है। पहले एक ग्रह था जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, प्लूटो। प्लूटो, लेकिन आज प्लूटो को सौर्य परिवार से हटा दिया गया है। रीजन ये था कि प्लूटो पृथ्वी से बहुत प्लूटो सूर्य से बहुत अधिक दूर था और प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 247 वर्ष लगता था। सो इस प्लूटो को सौर्य परिवार से हटा दिया गया। आज ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है और पृथ्वी के बाद मंगल। सौर परिवार के ये चौथे ग्रह हैं मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति और बृहस्पति के बाद शनि आते हैं और शनि के बाद
यूरेनस नेपच्यून और लास्ट में वायु प्लूटो का। आइए आज उन ग्रहों में से कुछ अन्य के बारे में भी बता देते हैं हम आप लोगों को, जैसे बुध के बारे में बताते हैं। तो बुध का द्रव्यमान 3.3 × 10³ केजी है और उसका त्रिज्या 2440 किलोमीटर है और बुध का सूर्य से औसतम दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है और बुध सूर्य के एक चक्कर 87.97 दिनों में लगा लेता है। उसके बाद बुध के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध के बाद दूसरे ग्रहों जो है उनका नाम है शुक्र है और इस शुक्र का द्रव्यमान 4.9 × 10²² केजी है। साथ ही साथ इसका त्रिज्या 6052 किलोमीटर है और यह शुक्र एक चक्कर सूर्य का 224.7 दिनों में पूरा करता है। साथ ही साथ शुक्र के पास भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके बाद बारी आती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.99 × 10²² केजी है तथा त्रिज्या 6371 किलोमीटर है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिनों में पूरा करती है तथा रेडियोधर्मी डेटिंग के अनुसार पृथ्वी का जो आयु है वो 4.54 बिलियन वर्ष है। इसके बाद इस पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको होंगे मंगल और मंगल की बात अन्य ग्रह तथा इन टोटल ग्रहों के कुल कितने उपग्रह हैं, इसके वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। बस आज इतना ही, इसके बाद फिर नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल।